अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे और आपकी दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो दो तीन दिनों के बाद जो है मैं अपनी वीडियो बनाने लगा हूँ क्योंकि रमज़ान है यार, आजकल बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं। उसके साथ साथ अपने काम काज होते हैं, ज़िम्मेदारी वगैरह होती है। और ये पीछे आप देख सकते हैं जी, हमारी मटरों की फसल है, ब्यूटीफुल मज़े की लग रही है। अभी असर का वक़्त है और इस वक्त मैं अपने खेतों में आया हूँ एंजॉय करने के लिए। तो सोचा थोड़ी सी वीडियो भी बना लें और आप लोगों की खिदमत में पेश की जाए। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे मेरे बच्चे भी मेरे साथ आए हुए हैं, वो सामने ही आगे जा रहे हैं और हम यहाँ पर मटरों में फुल इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इनके साथ फलियाँ लगी हैं या नहीं। तो अभी माशाल्लाह इनके साथ फूल हैं और कुछ फलियाँ जो हैं वो भी लगना स्टार्ट हो चुकी है माशाल्लाह, और साथ में धनिया भी है। जिस भाई को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। कुछ दिन पहले याद होगा आपको, इसी व्लॉग के शुरू में मैंने आपको बताया था चैनल में वीडियो में, तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी टेनियाँ जो हैं दरख्त लगाए हुए थे और उसमें से काफ़ी सारे जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। और ये देख सकते हैं आप जी, टेनियों के साथ पत्ते जो हैं वो माशाल्लाह निकलना स्टार्ट हो चुके हैं और इसके साथ भी अभी जो हैं वो निकलेंगे। ये आप देख सकते हैं निकल रहे हैं आस्ता आस्ता से। तो जितने भी हमारे दरख्त हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामयाब हो चुके हैं। ये आप भी देख सकते हैं, ये सब के सब जो हैं वो पत्ते निकलना स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे मेरा फैज़ान ख़ान जो है बहुत ही शरारती है, तंग कर रहा है। फैज़ी ख़ान क्या मसला है? क्या कर रहे हो फैज़ी? फैज़ी फैज़ान ख़ान क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हंस क्यों रहे हो? ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं सुम्बुल। तो इसके साथ अभी माशाल्लाह दाने जो हैं लगना स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी लोग जो गांव में रहते हैं वो लोग इसको जानते हैं। ये आप भी देख लें माशाल्लाह इसके साथ दाने जो हैं लगना स्टार्ट हो चुके हैं और थोड़े थोड़े जो हैं वो सुरख हो चुके हैं। और फैज़ान ख़ान कह रहा है कि मुझे ये दाने दो, तो ये छोटे बच्चे जो हैं इसकी मदद कर रहे हैं। और इस तरफ हमारी गंदम है जी माशाल्लाह ब्यूटीफुल। माशाल्लाह जी विलेज में आजकल के जो दिन हैं माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल और मज़े के हैं। हर तरफ हरियाली हरियाली है और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। सर्दियों में एक तो ठंड ज़्यादा होती है, ऊपर बच्चे जो हैं बीमार हो जाते हैं, बाहर निकल नहीं सकते। तो गर्मियों में माशाल्लाह बच्चे भी बाहर इंजॉय करते हैं और विलेज हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होता है। तो पंजाब में आजकल वैसे गंदम जो है वो तैयार हो चुकी है और यहाँ पर अभी माशाल्लाह सट्टे निकलना स्टार्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं ये, और बच्चे भी हमारे एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ से हमारे विलेज का व्यू देखें तो माशाल्लाह जी क्या ही बात है ब्यूटीफुल। यहाँ पे जी फैज़ान ख़ान जो है वो हंस रहा है। अभी चलते हैं घर की तरफ, अभी बच्चे जो हैं आस्ता आस्ता आगे की तरफ जाते हैं और शाजिया बीबी सबसे आगे, उसके साथ सादिया बीबी और उसके साथ फैज़ान ख़ान। तो सुहेल ख़ान जो है सबसे बड़ा है, वो घर में ही है, आज बाहर नहीं आया हुआ। तो मैंने कहा चलो आज इन बच्चों को एंजॉय करा लें और व्यू चेक करें। माशाल्लाह जी मलेशिया, हाईलैंड, इंग्लैंड किसी से भी कम नहीं मेरा प्यारा पाकिस्तान माशाल्लाह। यहाँ से आप व्यू चेक करें जी ब्यूटीफुल, और बच्चे एंजॉय करते हैं। में जो होता है इतने ज़्यादा खुली जगह जो है वो नहीं होती, तो एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं अपनी मर्ज़ी के साथ एंजॉय करते हैं और खुले माहौल में जो है वो घूम रहे होते हैं। तो शहर भी अपनी जगह पे अच्छा है क्योंकि जहाँ पे दुख दर्द बीमारी होती है तो वहाँ वो जल्दी जो है अस्पताल वगैरह कोई और मसला मसाइल हो तो पहुँच सकते हैं। तो जबकि गाँव वाले काफ़ी टाइम बाद आना के कोई बड़ा प्रॉब्लम मसला हो तो उसमें जान भी चली जाती है, इतने लेट भी हो जाते हैं। शहर और गांव दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, ठीक हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गांव की ज़िंदगी पसंद करते हैं। जो हैं बच्चे घर को चलना स्टार्ट हो चुके हैं, अभी घर पहुंचने वाले हैं, साथ ही हमारा घर है और सामने अबू जान जो है वो टमाटरों की गोट कर रहे हैं। और इस तरफ हमारे मटर हैं, इस तरफ आगे भी हैं और इस तरफ भी हैं माशाल्लाह ब्यूटीफुल। दरख्तों के साथ माशाल्लाह फुल पत्ते जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। ये सामने हमारा घर है, उसके साथ ये हमारी कॉलोनी है माशाल्लाह, प्लाट है
यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। और इस तरफ जो है हमने मिर्चों की फसल लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल छोटी छोटी है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ दिनों में बड़ी हो जाएगी। और आज यहाँ पे हमने एक बबली जवान जो है वो नया ले लिया है, ये आप देख सकते हैं, तो अभी नया नया है तो कुछ दिनों तक इंशाल्लाह हमारे साथ आदि हो जाएगा, तो फिर हमारे साथ घूमे फिरेगा। और यहाँ पे मेरी टिंडों की फसल है जाती अपनी जो मैंने लगाई हुई है माशाल्लाह, तो आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल हैं। अभी इसमें जो है हम गोड़ वगैरह करेंगे ताकि ये बड़े हो जाएं, और गन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है ताकि ये गन वगैरह ख़त्म हो जाए और इस तरह साफ़ सुथरे टिंडे हमारे रह जाएँ। बस अपने कामों में हम मसरूफ़ रहते हैं। बस ये छोटा सा क्लिप था, उम्मीद है आज का क्लिप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आदमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं और डेली इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।